हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स किटिबिस किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुजरात का बहुत ही फेमस फरसान है जिसका नाम है इदड़ा। इदड़ा ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया जाता है। ये काफ़ी टेस्टी होता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होता है। गुजरातियों के घर में जब भी गेस्ट आते हैं ना, तो घर पर बहुत ही अच्छे अच्छे फरसान सर्व किए जाते हैं। इसमें से ये इदड़ा एक है। ये सबको पसंद आता है और बनाने में काफ़ी सिंपल है। तो चलिए जल्दी जल्दी इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बैटर बनाना स्टार्ट करते हैं। बैटर बनाने के लिए मैंने एक पतीला ले लिया है। ये है हमारे पास चावल। चावल के अलावा हमारे पास है उड़द की दाल है। तीसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास पोहा और चौथा है मेथी दाना यानी कि फेनुग्रिक सीड्स। अभी सारी ग्रॉसरी शॉपिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं, अमेजोन पर सब अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मैंने सारी लिंक्स डाली हुई हैं। सो मेजरमेंट्स कप की मदद से सबसे पहले हमें लेना है 3 कप चावल। चावल की जगह आप कनकी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 3 कप चावल के सामने हमें डालना है 1 कप उड़द दाल। सेम मेजरमेंट्स कप की मदद से मैं डाली हूँ 1 कप उड़द दाल। 1/2 टेबल स्पून हमें लेना है, उससे पहले हमें डालना है 1 टीस्पून जितना मेथी दाना और 1/2 टेबल स्पून पोहा। मेथी दाना फर्मेंटेशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करता है, डाइजेशन में भी काफ़ी हेल्प करता है, इसलिए मेथी दाना ज़रूर डालें। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद 3 से 4 बार उसको अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद उसको सारा पानी में भिगो देना है, फुल पानी भर के पतीला में उसको डुबो देना है और ऑलमोस्ट 6 घंटे के लिए आपको उसको रेस्ट देना है। 6 घंटे के बाद आप चेक करोगे, आपको दिखेगा, आपका देखा, आप देख सकते हो मिक्सचर है हमारा काफ़ी डबल हो चुका है, फूल चुका है। सो अभी हमें इसको अच्छे से पीस देना है। पीसने से पहले इसको 1 से 2 बार अच्छे से फिर से पानी से वॉश कर लीजिए और उसके बाद मिक्सिंग जार में आपको इसको डाल देना है। थोड़ा थोड़ा करके डालिए। ग्राइंड करने के लिए आप थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर सकते हो, ज़्यादा पानी मत डालिए, अदरवाइज आपका जो बैटर है वो काफ़ी पतला हो सकता है। थोड़ा सा पानी डालें और उसको अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए। हमारा बैटर एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ होना चाहिए। आप देख सकते हो हमारा बैटर अभी सॉफ्ट एंड स्मूथ नहीं है। सो आप चाहे तो थोड़ा पानी डाल सकते हो। हमारा बैटर अभी एकदम सॉफ्ट एंड स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हो। सो अभी मैंने एक एयरटाइट कंटेनर ले लिया है जिसमें हम बैटर को शिफ्ट कर देंगे। जब भी आपको कोई बैटर फर्मेंट करना हो तो एयरटाइट कंटेनर का ही इस्तेमाल करें ताकि आपका बैटर है वो अच्छे से फर्मेंट हो सके। इसी तरह से हमारा जो बाकी का मिक्सचर है वो भी हम पीस लेंगे। और ये बात का ध्यान रखें, पीसते समय ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा ही पानी डालिए जितनी आपको ज़रूरत हो। तो ये भी हमारा पीस के रेडी हो गया है, इसे भी मैं एयरटाइट कंटेनर में शिफ्ट कर दूंगी और इसको हमें करीबन ढक के ऑलमोस्ट ओवरनाइट आप रख सकते हो फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए। किसी भी वर्म प्लेस पे, कपबोर्ड में या फिर ओवन में आप इसको फर्मेंट होने के लिए छोड़ सकते हो। मैंने इसको ओवरनाइट फर्मेंट होने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हो मेरा बैटर कितनी अच्छी तरह से फर्मेंट हुआ है। इसलिए जब भी आप बैटर बनाओ मेथी दाना ज़रूर डालें, वो फर्मेंटेशन प्रोसेस में काफ़ी हेल्प करता है। एयरटाइट कंटेनर का यूज़ करें, बहुत ही अच्छा आपका बैटर फर्मेंट हो जाएगा। अभी मैंने एक पतीला ले लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा बैटर ले लूँगी जितना मुझे ज़रूरत है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बैटर काफ़ी थिक है। अभी हमें उसकी कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी सी पतली करनी है क्योंकि हमें इदड़ा बनाना है। आप देख सकते हो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, थोड़ा थोड़ा करके डाले और आप देख सकते हो हमें मीडियम थिक कंसिस्टेंसी चाहिए, बहुत पतला नहीं होना चाहिए, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। डोसा का बैटर काफ़ी पतला होता है, उससे थोड़ा सा थिक बैटर हमें चाहिए, मीडियम थिक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देख सकते हो इस तरह से हमारी कंसिस्टेंसी है। बैटर अच्छे से कंसिस्टेंसी में आ जाए उसके बाद हमें उसमें डाल देना है नमक स्वाद अनुसार। सिर्फ हमें नमक डालना है और इदड़ा जब हम बनाएंगे उससे पहले हम उसमें डालेंगे इनो यानी कि फ्रूट सॉल्ट या फिर आप बेकिंग सोडा डाल सकते हो। सो अभी हमारा बैटर बनके रेडी हो गया है। हमारे इदड़ा बन जाएंगे, उसके ऊपर हमें तड़का देना है। उसके लिए हमें चाहिए राई, थोड़े से कोरिएंडर के पत्ते हैं, करी लीव्स है और हरी मिर्ची है। हमारा बैटर है उसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जितना फ्रूट सॉल्ट यानी कि बेकिंग सोडा। आप इनो का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके ऊपर मैंने डाला है 2 चम्मच ऑयल।
अभी इसको हम अच्छे से फेंट देंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो काफी अच्छे से फूल जाए। अगर आपका इनो यानी कि बेकिंग सोडा एक्टिव होगा तो आपका बैटर है वो काफी फ्लफी हो जाएगा। अभी आप देख सकते हो मेरा बैटर काफी फ्लफी हो रहा है। अभी इस तरह का बैटर हमें चाहिए, आप देख सकते हो काफी अच्छा फूल गया है। और जब भी आप बेकिंग सोडा डालते हो उसमें बबल्स आने लगते हैं, यानी कि आपका जो बेकिंग सोडा है वो काम कर रहा है। सो अभी हमारा बैटर बन के रेडी है। सो यहाँ पे मेरे पास ढोकला की प्लेट है, इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूंगी और इसमें अभी हम डाल देंगे बैटर। इडड़ा की जो साइज है वो काफी बड़ी होती है, विड्थ और लेंथ में जो स्क्वायर पीसेस में होते हैं और वो काफ़ी मोटे होते हैं, इसलिए मैं पूरी जो डिश है वो बैटर से कवर कर लूँगी ताकि वो अच्छे से फूल के डबल हो जाए। तो यहाँ पे मैंने अच्छी क्वांटिटी में बैटर डाल दिया है और ऊपर से मैंने थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल कर दिया है। अभी जो हमारा ढोकला कुकर है वो अभी मैंने पानी बॉयल करने के लिए रख दिया था तो वो गर्म है, उसमें हम प्लेट डाल देंगे और इसको हमें हाई फ्लेम पे 15 मिनट के लिए अच्छे से बेक होने देना है। सो ऑलमोस्ट 15 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट के बाद हमारा ढोकला ऑलमोस्ट रेडी हो ही चुका होता है। सो अभी हम नाइफ की मदद से चेक करेंगे, अगर आपका नाइफ क्लियर आ रहा है इसका मतलब आपका ढोकला रेडी हो गया है। सो यहाँ पे मेरा ढोकला भी रेडी हो गया है, इसको मैं निकाल लूंगी। इसको आप व्हाइट ढोकला बोल सकते हैं, इडड़ा बोल सकते हैं। सो अभी हम लगाएंगे तड़का। तड़के के लिए हमें लेना है 2 चम्मच तेल, जैसे ही तेल गर्म हो जाता है उसमें हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के राई यानी कि मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स को हम थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे, उसके बाद हमें उसमें डाल देने हैं करी पत्ते और हरी मिर्ची। और यहाँ पे हम डाल देंगे हरी मिर्ची। इस तड़के को हम 30 सेकेंड्स के लिए थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, उसके बाद ये तड़का हमें डाल देना है इडड़ा पे और लास्ट में हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। सो यहाँ पे हमारा तड़का बन के रेडी हो गया है। सो हमारा इडड़ा बन के रेडी हो गया है, लेकिन उसके ऊपर हम तड़का लगाए उससे पहले हम थोड़ा सा पीनट ऑयल में लगा रही हूँ। तड़के के लिए भी आप पीनट ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने रेगुलर ऑयल का इस्तेमाल किया था और अभी मैंने इडड़ा के ऊपर जो ऑयल लगाया है वो पीनट ऑयल है। सो तड़का उस पे उसके ऊपर मैं डालू उससे पहले हम उसको स्क्वायर पीसेस में काट लेंगे ताकि उसके बाद हम आसानी से उसको निकाल सकते हैं। सो ये हमारा हो गया है, उसके ऊपर अभी हम तड़का डालेंगे। तड़के को अच्छे से फैला के डालिए, जितना ऑयल आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हो। आप देख सकते हो हमारा इडड़ा बिल्कुल बाहर जैसा दिख रहा है और ये खाने में भी काफ़ी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी थे। ज़रूर इसे एक बार घर पर ट्राई करिए। आप देख सकते हो हमारी इडड़ा बन के रेडी है, ये बिल्कुल बाहर जैसे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बने हैं। इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करिए, आपके जो गेस्ट आते हैं घर पे उनको भी ज़रूर खिलाइए, वो ज़रूर खुश होंगे। अभी इडड़ा है हम एक प्लेट में सर्व कर देते हैं। सो आप देख सकते हो हमारे बढ़िया से सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी इडड़ा गर्मा गर्म बन के रेडी हो गए हैं। इसको ग्रीन चटनी के साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार लगेंगे। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट रेसिपी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।